पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगेन पोजिशन आपको सेम ही दे रखी है, एस इज इक्वल टू टी स्क्वेर प्लस 60 प्लस 3, और मुझसे पूछा है स्पीड, वेलोसिटी का खेल हो गया है ना। जब तक आपसे वेलोसिटी पूछे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्पीड में भी एट वाला आए तब तक आप नॉर्मली सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आगे और सवाल आएंगे है ना। तो अभी तक तो हमको घबराने की कोई बात नहीं है। मुझसे पूछा है स्पीड एट, स्पीड एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मुझसे पूछी है और पोजीशन तो वो की वही है, पोजीशन वो की वही है। तो जब मैंने पिछले वाले सवाल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी तो क्या यही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा? बात समझ आ रही है? क्यों? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब टी का फंक्शन सेम है तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आई उसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आया क्या वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा? तो यहां पे एट पूछा है तो इसका आंसर अगेन मेरे पास हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका आंसर वही होगा जो आप पिछले सवाल में सॉल्व करें।